हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ऑल गेमिंग RS में। तो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है फ्री फायर ओपनिंग हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्व मैंने भी किया है, इसको झेला भी है। तो चलिए हम फिर इसके बारे में बताना स्टार्ट करें। तो इसमें मैं तीन प्रकार बताऊंगा, मतलब तीन टॉपिक है जिससे आप अपना फ्री फायर चालू कर सकते हैं अगर नहीं ओपन हो रहा है तो। और पहले दूसरे में ना हो लेकिन तीसरे का 100% ही कि हो ही जाएगा। तो चलिए फटाफट से, वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट कर दे। तो फ्री फायर सबसे पहले हम ढूंढ लेते हैं फ्री फायर किधर है। सबसे पहले यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। चलो ऐसे नहीं होगा, चलो हम सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद अपने को ऐप इन्फो देखना है। ऐप मैनेजमेंट में गए, फिर यहाँ पे ऐप लिस्ट पे जाना है सबसे पहले। फिर यहाँ पे फ्री फायर हमको खोजना है। यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो, मेरा आ भी गया। यहाँ पे सबसे पहले स्टोरेज एंड चर्चेस पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लियर चर्चेस कर देना है सबको। क्लियर चर्चेस करने के बाद बैक आ जाना है। फिर आप ओपन करिएगा तो ओपन हो जाएगा। अगर इससे भी ओपन नहीं हो रहा है तो फिर से हम सेटिंग ऑन करेंगे, या फिर सेटिंग छोड़िए नहीं हो रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक ऐप इन्फो में जाएंगे, फ्री फायर क्लिक करने के बाद फिर से स्टोरेज एंड चर्चेस में जाएंगे। ये दूसरा का है, मतलब दूसरा टॉपिक है कि इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो क्लियर स्टोरेज लिखा है इस पर क्लिक करना है हमको। मैं तो नहीं करूँगा, मेरा ओपन हो रहा है क्योंकि सारा मेरा डाटा चला जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा फ्री फायर फिर से हो जाएगा, एकदम रीस्टोर हो जाएगा, जिससे कि लॉगिन नहीं हो रहा था तो अब सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई फटाफट से लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बेस्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे प्ले स्टोर ऑन करना है। प्ले स्टोर को सब किसी को ऑन करना है। फिर सर्च बार पे क्लिक करके FF सर्च कर देना है। यहाँ पे फ्री फायर पे क्लिक करना है और जो अन इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ये प्ले नहीं, अन इंस्टॉल इसकी साइड में होगा व्हाइट कलर का, इस पर क्लिक करके अन इंस्टॉल कर देना है। अन इंस्टॉल कर देना है। अब बताओ, मैं अन इंस्टॉल के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अन इंस्टॉल करने के बाद हमारा फ्री फायर फिर से नया डाटा अपडेट की जैसा हो जाएगा। तो अन इंस्टॉल करके मोबाइल ऑफ कर देना है, रीइंस्टॉल कर देना है, फिर ओपन करना है, फिर प्ले स्टोर ऑन करके उसको फ्री फायर को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको तुरंत अपने जो पुरानी आईडी, उससे नहीं, नई आईडी से लॉग इन करना है। उसमें थोड़ा देर 5-10 मिनट खेलना है, फिर उसको लॉग आउट करके फिर अपना ओल्ड आईडी डाल देने का। इससे आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आशा करूँगा आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।